अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल की तैयारी जो वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ज़ू 103 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। उसके लिए शर्त एक ही है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ और क्या क्या बताना चाहता हूँ वो आपके पल्ले पड़ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको अगर करंट पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, सही होगा। उसमें ये होगा कि आप पहले भी इस बुक्स के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और आप भी आएंगे तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी और करंट पेपर्स भी शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट पेपर का यहाँ पे सॉल्व हुआ। दूसरा जो हमारे पास चीज़ है वो है पास्ट इंपोर्टेंट फाइल्स, ठीक है। बहुत सारी पास्ट इंपोर्टेंट फाइल्स हैं, मैं जस्ट आपके साथ कुछ फाइल्स शेयर करूँगा, ठीक है। एक दो मिड की होगी जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज होगा, ठीक है, और एक दो होगी जिसमें सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। मैं इनको एक ही मर्ज कर दूंगा, जो क्वीज़ वाली होंगी उनको क्वीज़ में, जो दूसरी होगी उनको दूसरी में। जो हमारे पास फाइनल टर्म के लिए फाइल है वो ये वाली फाइल है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें जो है ये सलमान अली की फाइल है, ठीक है। मैंने नहीं बनाई, ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपके पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है सब्जेक्टिव पोर्शन भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी दिया हुआ है। चूँकि हमारा जो सिलेबस है वो 20% मिड से आना है और 80% जो फाइनल से आना है, तो हमको मिड की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो हमारे पास है, मैं आपको मिड की एक फ़ाइल दूंगा एमसीक्यूज़ की, और एक फ़ाइल दूंगा जिसमें हमारे पास सब्जेक्टिव होगा जो कि हमने पढ़ा है। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसको एक दफ़ा दोहरा लोगे तो आपके वो जो है कंसेप्ट, उसका जो है वो चीज़ दोबारा आपके जहन में आ जाएगी ताज़ा ताज़ा, ठीक है। उसके बाद जनाब इसके जो क्वीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक जो क्वीज़ हमारे पास अभी रिसेंटली हुआ है जो लेक्चर 121 to 150 था, ठीक है, उसकी फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने खुद ही बनाई थी, मेरी अपनी बनाई थी, ठीक है, वो भी पड़ी है। और उसके बाद आपको जो मिड वाली इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनमें से भी कोई दो तीन जो जिनमें सारे कवर हो जाएंगे मिड के, वो आपको एक ही फाइल में मर्ज करके जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ का जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, वो है हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स जनाब जो है हमारे पास, वो मैं इधर से निकाल लेता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहे, ये मैंने बनाए हैं हाईलाइटेड हैंडआउट्स, हाईलाइट किया है चीज़ों को। इसमें जनाब मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारे पास लेक्चर्स हैं 1 से 109 से लेके 130 तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे पास इसके 130 से आगे के लेक्चर्स हैं ना, तकरीबन 170 to 180 तक, उनमें कुछ स्पाइडर्स की मॉर्फोलॉजीज़ दी हुई हैं, मतलब स्पाइडर्स की लेग्स के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, इस तरह की जो मॉर्फोलॉजीज़ हैं वो याद करनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइनली जो बग है या फ्लाई है उसकी क्लासिफिकेशन हमने याद करनी है, जैसा कि हमारे पास है कि उसका फाइलम क्या है, उसका स्पीशीज़ क्या, उसकी क्लास क्या, उसका ऑर्डर क्या है, ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद लाइफ साइकिल्स, कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल्स दिए हुए, मैंने उनको हाईलाइट भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको आपने करना है। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ को हाईलाइट किया, ये अमेरिकन बॉल वर्म का लाइफ साइकिल है, ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जैसेड का जो है लाइफ साइकिल, ये भी ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास और भी है, थ्रिप्स का है लाइफ साइकिल, और एक दो और भी हैं शायद, मैं अगर छूट गया हो तो वो आप उनको भी लाजमी करना। उसके बाद जो हमारे पास लेक्चर्स हैं 194 to above आगे वाले, ठीक है, ये बहुत ही इजी लेक्चर्स हैं और बहुत ही मतलब इनकी हर लाइन पे एक एक एमसीक्यूज़ बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो इनको आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये हैंड आउट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको पास्ट फाइल्स तो आप देख रहे हैं, पास्ट फाइल्स में से आपके जो है वो जो बने बनाए क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे क्लियर, लेकिन अगर आप हैंड आउट्स को देखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वही चीज़ है जो पीपीटी में है, जस्ट इसको मैंने हाईलाइट किया और इधर पेस्ट करके उसको सेटिंग कर दी थोड़ी बहुत ही, ठीक है। टाइम तो इस पर काफ़ी लगा है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने कोशिश की कि साथ साथ पिक्चर्स भी जो है वो ऐड करूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था,
जो हमारे पास फाइलम्स है, फाइलम जितने भी आ रहे हैं ना, फाइलम को किस तरह याद करना, ये वाले टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मतलब सारे इम्पोर्टेंट है, 194 टू अबव जितने भी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको मैंने जस्ट उनकी हाईलाइट को हाईलाइट किया था कि आप उसके दरमियान जितनी भी चीज़ें उनको अच्छे से कर लें। ये जो फाइलम पॉलीफेरा है या फाइलम स्पॉन्जेस है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, और जितने भी फाइलम इसमें मौजूद हैं वो आपने किस तरह करने हैं, तो अगर आपको याद हो कि आपने जो है प्रैक्टिकल दिया होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में जो आपने किया था, ये नहीं है प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में आपने जो किया था वो वाला प्रैक्टिकल जो है वही मैनुअल अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अगर ये मैनुअल आपके पास नहीं है, मतलब 103 का मैनुअल जो है, इसमें थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो 201 का मैनुअल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फाइलम्स है बहुत ही अच्छे से लिखे हुए हैं, शायद मैं आपको दिखाई देता हूँ, इधर होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमारे पास यहाँ पे जो फाइलम है, ये प्रैक्टिकल मैनुअल है ना, इसमें आप देखेंगे ना तो आपको जो फाइलम्स है तकरीबन सारे ही मिल जाते हैं, ये सारे फाइलम हैं जो इधर भी हैं, ठीक है, ये सारे हैं, ये सारे फाइलम्स, ठीक है, इसमें पहले वाले नहीं है, ये पहले वाले, ठीक है, ये नहीं है, ये तकरीबन प्रोटेस्टर्स तक, हाँ इतना तक नहीं है, बाकी सारे इतने इसमें मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो इसमें फाइलम के बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छे से इनको बयान किया हुआ है और आपको समझ भी आ जाएगी, जैसे कि ये कैनोड्रम्स है और उसकी यहाँ पे खसूसियात दी हुई है, ठीक है, ये जो अगर आपके पास नहीं है तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये आपने पढ़ा हुआ भी है तो आपको आसानी से जो है ना इसकी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, और ये आपके आपने पढ़ा हुआ तो बस रिविज़न ही करनी होगी, ठीक है। ये भी हल हो गया, तो होल सिलेबस को कवर किस तरह करना है, ये एक आखिरी जो चीज़ है, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें से बता भी दी हैं, कुछ चीज़ बता भी देता हूँ, जो जॉब होल्डर्स हैं जो इतना चीज़ें नहीं कर सकते हैं वो जस्ट पता है क्या करें, वो एक तो जो फाइनल वर्क फाइल होगी वो कर लें बस, ठीक है, अगर वो फाइल ही अच्छे से कर लेते हैं तो उनकी 3 अबव CGPA इसी एक सब्जेक्ट से आसानी से आ सकती है, अगर उसको अच्छे से कर लें तो। साथ में मैं मिड की क्विज़ की एक फ़ाइल होगी और सब्जेक्टिव की एक फ़ाइल होगी, ठीक है, उसके बाद जो करंट क्विज़ हुए वो भी उसी फाइल में आए थे, फाइनल वाली में भी वो भी होगी, तो अगर आप जस्ट फाइल कर लेते हो तो भी इसमें से अच्छी CGPA आ सकती है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं कौन कौन सी चीज़ें करनी, कैसे कैसे करनी है, ठीक है, तो लाजमी कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बताया, ठीक है। करंट पेपर्स के लिए दोबारा बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, पहले भी उसमें से 250+ मेंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो आप आएंगे तो और भी खुशी की बात है। तो अगर मुझे होप है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी सेमेस्टर में और अभी कर दें, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा मुलाकात तो होनी है लेकिन अभी कर दें, ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हर चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जाएँ डिस्क्रिप्शन में और लिंक जो है उससे हर चीज़ को डाउनलोड कर लें, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।